हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आई एनिग्मा हिंदी चैनल. मैं हूँ एनिग्मा. आज हम लोग रीडिंग करते हैं. बहुत लोगों के माइंड में होगा कोई पर्सन जिनके बारे में हम जानना चाहते हो कि वो वापस आएंगे कि नहीं. बहुत सारी डिमांड्स थी आप लोगों की व्हाट्सएप पे, तो मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ. सो ये एक जनरल रीडिंग है. सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डज नॉट रेजोनेट. जैसे कि आपको पता है, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप हमेशा मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो. पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में, ईमेल के थ्रू. एंड क्रिस्टल्स खरीद सकते हो मुझसे, प्योर इंटेंशन चार्ज. और आप प्रेयर्स भी करवा सकते हो, स्पेल्स, ठीक है. और इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी. वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो जो कि अर्जेंट विश फुलफिलमेंट वर्कशॉप है, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो. सो सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी. और इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें. और मेरे मेन चैनल्स जो हैं, आई एनिग्मा इंग्लिश चैनल और आई एनिग्मा स्कॉर्पियो चैनल, उस पर भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए. सभी के लिए सन, मून, राइजिंग, वीनस, कोई भी एरी से लेके पाइसिस तक कोई भी साइन हो सकता है जिसके साथ ये रेजोनेट करेगी. तो आपके लिए मैसेज क्या है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे कि नहीं. फर्स्ट कार्ड जो आ गया है वो एग्जैक्टली रेकन्सिलेशन का कार्ड है. कोई वापस आ रहे हैं. सो यहाँ कन्फर्मेशन तो है कि ये पर्सन वापस आ रहे हैं और आना चाहते हैं, ठीक है. लेकिन कोई चीज़ उनको रोकती है. ये इसलिए रोक रही है क्योंकि या तो आपने इनको कुछ कहा लास्ट टाइम, या फिर इनकी ईगो हर्ट हुई है किसी तरीके से. आपके एक्शन या आपके किसी बिहेवियर की वजह से ईगो हर्ट हुई, जिसकी वजह से ये पर्सन एक कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट ज़रूर चाह रहे हैं पहले से ज़्यादा, बिकॉज आपने उनकी ईगो हर्ट की. बट एट द सेम टाइम वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनका ईगो बीच में आ रहा है, ठीक है. सो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे. ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं. जिनको आप मिस कर रहे हो, आपको मिस कर रहे हैं, 100% मिस कर रहे हैं. आपके साथ सॉलिड कमिटमेंट पहले से ज़्यादा चाह रहे हैं. लेकिन कैसे आए आपकी तरफ, क्योंकि अपना ईगो भी नहीं उनको छोड़ना. सो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, अर्थ साइन हो सकते हैं. ये पर्सन काफ़ी विलिंग है आगे बढ़ने के लिए आपके साथ. पहले नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा विलिंग हो रहे हैं, ठीक है. तो हो सकता है कि स्टेटस वाइज भी आप इनसे ज़्यादा हो, तो इनको इस चीज़ की काफ़ी एक स्टेबिलिटी फील होती है कि आपके साथ स्टेबल है उनका लाइफ. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पर्सन की जो फीलिंग्स है ना, वो डेवलप होने लगी है पहले से ज़्यादा. स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर एनर्जी है, या फिर उनके चार्ट्स में कहीं पे वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है. तो यहाँ तो मुझे बहुत ही क्लियर मैसेज दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ केयर शो कर रहे हैं, आपके लिए केयरिंग है, ठीक है. फीलिंग्स उनकी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं आपकी तरफ, ठीक है. तो आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, लेकिन इसीलिए टाइम ले रहे हैं बिकॉज उनका ईगो बीच में आ रहा है. तो देखते हैं क्या आपको अप्रोच करना चाहिए. अगर ये टाइम ले रहे हैं तो क्या आपको अप्रोच, नहीं. श्याम में क्या मैसेज है कि आप अगर अपनी स्ट्रेंथ पे रहेंगे, अपनी काबिलियत पे रहेंगे, ठीक है, अपने आप पे बिलीव रखेंगे, ठीक है, और अपनी एनर्जी को स्टेबल और कंट्रोल में रखेंगे और स्ट्रांग रहेंगे, ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले. ये आप ही के पास आएंगे. लेकिन जैसे ही अपना लूज़ करोगे कंट्रोल, इमोशनल हो जाओगे, वीक पड़ जाओगे, वहाँ पे ये पर्सन आपको इनिशियली ज़रूर सपोर्ट करेंगे, बट बाद में इट विल गेट बोरिंग. सो आपको क्वीन ऑफ वांड एनर्जी में रहना, आपको स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी में रहना है. आपको एक ऐसी एनर्जी में रहना है जहाँ पे आप के पास अगर ये पर्सन ना भी हो तो भी आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो भी आप बहुत खुश हो. मैजिक होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी में, आपकी ऑरा में एक पॉजिटिव टच है. आपसे इन पर्सन को अटैचमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि आपकी इनकी तरफ. सो ये है कि ये आपको एक ऐसे पर्सन देखते हैं जो कि एक मैजिकल पर्सन है. कुछ भी कर सकते हो लाइफ में. आप लाइफ में जैसी आप चीज़ें चाहते हो वैसे आप टर्न अराउंड कर सकते हो चीज़ों को. आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर है, आपके अंदर कुछ इंटूटिव क्वालिटीज़ हैं. आप नाइस हो, केयरिंग हो, लेकिन गुड लुकिंग बहुत ज़्यादा हो, आपको सब कुछ पता. तो ये पर्सन इसीलिए आपकी तरफ आ रहे हैं. लेकिन आप भी ना एक्टिंग कर रहे हैं कि यार मैं क्यों रीच आउट करूँ. स्पेशली अगर ये मेल है तो ये बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि थोड़ा सा ना इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इग्नोर करके अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं. और ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि हाँ गलती तो आपकी है, उनकी नहीं है. तो एक तरह से आप पे ब्लेम डाल रहे हैं, बट लविंग वे में. ऐसा नहीं है कि कोई हेट है, बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड यू. आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनको रीच आउट मत करना आप.
सो इनके रीच आउट करने के चांसेस कितने हैं और कम हैं? लेट्स सी. ऑल राइट, चांसेस तो हैं 50-50. ठीक है, किंग ऑफ वांड्स, क्योंकि ये भी अपने ईगो में है, ये पर्सन भी अपने ईगो में ही आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बार बार बता रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो. इन अ वे आई फील लाइक ये कोशिश पूरी कर रहे हैं आपसे भागने की, आपसे दूर जाने की, लेकिन कहीं पर इनको कोई सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रही आपके जैसी. कहीं पर इनको ऐसे पर्सन नहीं मिल रहे जो आपको रिप्लेस कर सके, जो इनके दिमाग से आपको निकाल सके, लेकिन ईगो में रहना चाहते हैं यहाँ. सो 5 days, 5 weeks, इवन 5 months लग सकते हैं इसको. तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या ये रेकन्सिलेशन सेफ और अच्छे तरीके से हो. ऑलराइट, सो लेट अस सी. नाइट ऑफ वांड्स, ये पर्सन तो डेफिनेटली आपको एक मैसेज भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं, और स्पेशली अगर आप किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गए, किसी और से बातें करने लग गए, तो यहाँ पे इनको ये बात पता लग जाएगी आपकी ऑरा से, आपकी एनर्जी से, या फिर एक्चुअली इनको पता लग जाएगी कि आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो. मुझे लग भी रहा है कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो इनसे काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स किसके लिए है वो आप पे डिपेंड करता है. बट यहाँ पे हाँ, इनको जेलसी होने वाली है. 5 weeks या 5 months के अंदर अंदर इन पर्सन का मैसेज आपको आएगा, इन पर्सन का कोई ना कोई, यू नो, दे विल रीच आउट इन सम वे ऑर द अदर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको ना ट्रिकी होना पड़ेगा थोड़ा, अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपको रीच आउट करे. आपको सबसे पहले तो आप मूव ऑन कर जाइए, हर्ट मत होइए. जितना आप हर्ट करोगे, अपने आप को लोअर वाइब्स में रखोगे, उतना उनको सेंस होगा और वो आपकी तरफ नहीं आएंगे. तो उनको ये फील होना चाहिए कि एक रिफ्रेशिंग एनर्जी आ गई आपके अंदर, आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, तो ये फटाफट सब कुछ भुला के आपके पास आ जाएंगे. पाइसिस एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक तो हुआ है, इनको हर्ट हो रहा है, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन आपसे भागने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं. सो हे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ यू डील विद दिस. आउटकम मोस्ट प्रोबेबल क्या हो सकता है आप दोनों के बीच का, मैरिज है नहीं है, क्या होगा आगे जाके. ओप्स, देखो आउटकम में तो मुझे मैरिज दिखाई दे रहा है. आउटकम में तो मुझे लग रहा है कि एक बार किसी ने एक्शन ले लिया, इस पर्सन ने स्पेशली, उसके बाद तो ये कंटिन्यूस आगे बढ़ेगा कनेक्शन, उसके बाद तो ये कंटिन्यूस, इस कनेक्शन को रोका नहीं जा सकता, ये मैरिज की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें दोनों की तरफ से एफर्ट्स रहेंगे एंड ऑफ द डे. सो यू विल विन, बोथ ऑफ यू विल विन. बट जो ये आप लोग कर रहे हो बात ना करना, ये पर्सन बहुत अवॉइड कर रहे हैं आपको, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनकी बात बनी रहे, इनका स्टैंड रहे. बट डीप इनसाइड दे क्रेविंग यू लाइक हेल, बहुत ज़्यादा क्रेविंग है इनको आपकी. सो लेकिन आएंगे ये ज़रूर, किसी ना किसी तरीके से आप दोनों की बातचीत, आप दोनों का कमबैक होगा. ठीक है, यहाँ पे ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको कहीं से भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही जितनी आपके साथ थी. तो ये स्टक तो रहेंगे, जितना भी आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे उतना ही ये स्टक होते रहेंगे, वापस आने की कोशिश करेंगे, बट उतना ही चिड़चिड़े भी हो जाएंगे. यहाँ पे कुछ लग रहा है मुझे कि ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हमसे, इनकी लाइफ में कोई और भी नहीं आ पा रहा. पाइसिस एनर्जी हो सकती है, ये ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कभी इनका हाँ होता है, कभी इनका ना होता है. मोस्टली हाँ है, ना सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इनको नहीं पता कि आपका रिस्पांस क्या होगा, आप इनको किस तरह से ट्रीट करोगे, इसीलिए ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं इस फीलिंग को, इस इंटेंशन को, इस इमोशन को, कि ताकि और आगे ना बढ़े ये इमोशंस आपकी तरफ. न्यू चैप्टर तो आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है. लेट्स सी, ये इस पर्सन के साथ शुरू होगा या नए पर्सन के साथ शुरू होगा. अब एक कनेक्शन में तो आने वाले हो बहुत जल्द. 3 of Wands, यही पर्सन है जो आपकी तरफ वापस आएंगे, इनके साथ आपका ग्रोथ होगा, नेक्स्ट लेवल पे जाओगे आप इस कनेक्शन में. अब ये कनेक्शन में ग्रोथ होगी, आप देखना. अब ये कनेक्शन जो है वो आगे स्पीड अप होगा, जैसे पहले इतने सारे ब्लॉकेजेस, इतने कन्फ्यूजन, इतने ईगो, यू नो, में आना, ये सब हट जाएगा और आप दोनों बहुत तेज़ी से आगे स्पीड अप करोगे अपनी लाइफ में.
सो यहाँ पे स्टार्ट हो जाओ, ठीक है. कनेक्शन इज गोइंग फाइन, वेरी गुड. ये पर्सन आपको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. टू फॉरगेट यू, दे बरी देमसेल्व्स इन वर्क, ताकि आपके बारे में ना सोचें, टू बी ऑनेस्ट. एक और मैसेज प्लीज. हाउस, ये पर्सन काफ़ी रिच है, इनकी काफ़ी चलती है लेकिन आपके साथ नहीं चल पा रही है, ठीक है. या इनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी, ठीक है, या फिर इनको कोई इनहेरिटेंस मनी मिलने वाली है, इनको प्रॉपर्टी मिलने वाली है काफ़ी तगड़ी. तो ये पर्सन काफ़ी लाइक ईगोइस्टिक रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी बॉसी रहे हैं, तो इनके लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को ना थोड़ा सा डाउन करके आपकी तरफ आना. तो ऐसा ये सोचते हैं, इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो दैट इज़ योर आंसर. आई होप आपको अच्छा लगे, पर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए कि अगर आप डेली वीडियोस चाहते हैं तो क्या, किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं, क्या डालूँ मैं आप लोगों के लिए. सो अपने सजेशंस कमेंट में डालिए और लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर, बिकॉज़ अगर आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा करोगे तो मैं और ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगी. आई विल सी यू अगेन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय.